नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी के आवास एवं चार अन्य योजनाओं का उद्घाटन बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया। साथ में गौरा बौराम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खां और अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्र और कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी के आवास एवं चार अन्य योजनाओं का उद्घाटन बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग मंत्री मिथिला के विकास पुरुष संजय कुमार झा एवं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया। इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी, एक्स-एमएलसी दिलीप चौधरी, अलीनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्र, गौरा बौराम विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान, जदयू बिहार प्रदेश नेता शंभुनाथ झा, रंजन झा, रामशंकर सिंह, कमरे आलम, अबुल खैर, जदयू बिरौल प्रखंड अध्यक्ष कामरान खान आदि एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिरौल से जफर साजिद की रिपोर्ट। निर्माण मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने का उन्होंने निर्णय किया है, पॉलिटेक्निक का निर्माण का निर्णय किया है। उसी के तहत आज हम लोगों ने बेनीपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में सद्भाव मंडप का निर्माण कराया गया है। साथ में मनीगाछी प्रखंड में सद्भाव मंडप का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ दरभंगा जिला के अंतर्गत सदर प्रखंड में प्रखंड अनुमंडल कार्यालय का भी आज उद्घाटन माननीय संजय झा जी के द्वारा किया गया है। ये सौभाग्य है कि आपको इस क्षेत्र को एक ऐसा नेता मिला है जिसने न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार के विकास के लिए संकल्पित रहे हैं और मंत्रिमंडल के साथ साथ जिन जिन विभागों को इन्होंने देखने का काम किया है उसके अलावा जो जो विभाग के मंत्री इनके सहयोगी रहे हैं, मित्र रहे हैं, उनसे भी इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हमेशा प्रयासरत रहे हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के करीबी हैं तो उसका भी फायदा दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों को दिलाने का काम किया है। आज जब हम आए थे फातमी साहब की बेटी की शादी में, उसके बाद इनके साथ एक नहर का देखने के लिए अपने पदाधिकारियों के साथ ये गए और पता चला कि 52 साल पहले उसका DPR बना था और उस DPR को 144 नेपाल से उस पानी को लाने का काम इन्होंने उस अपने क्षेत्र में किया है। तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हमने तो कहा है एक जगह कि माननीय स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के बाद कोई व्यक्ति इतनी संजीदगी के साथ इस इलाके के विकास के ऊपर किसी ने ध्यान दिया है। नहीं, ये नहीं कि वो हमारे मित्र हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, जिस संजीदगी के साथ इन्होंने दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों के विकास के लिए कार्य किया है वो सिर्फ और सिर्फ संजय झा ही कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर एम्स का निर्माण हो, उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री से दरभंगा में एम्स लाने के लिए भारत सरकार पर पटना के बाद जब जेटली जी वित्त मंत्री थे तो माननीय नीतीश कुमार जी को ले जा करके दरभंगा में एम्स करवाने का उन्होंने घोषणा करवाया और दबाव बनवाया। और पहली बार जब जेटली जी इस देश के वित्त मंत्री थे तब उन्होंने दरभंगा में एम्स देने की घोषणा की क्योंकि वो पटना को बिहार को एम्स देना चाहते थे। नीतीश जी ने कहा कि ऑलरेडी पटना में एम्स है तो उन्होंने कहा दूसरा कहाँ होगा, तो माननीय नेता संजय झा जी ने दरभंगा में एम्स कराया। अब तो राजनीति है, सरकारें बदल गई है, सब कोई अपना अपना दावा करते हैं लेकिन एम्स की नींव को डालने का दरभंगा में काम संजय झा जी ने किया। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोगों का गठबंधन था और इनके संबंध उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर से उनके अच्छे मधुर संबंध है तो संजय झा जी ने दरभंगा में हवाई अड्डा खुलाने के लिए, एयरपोर्ट खुलाने के लिए भी एड़ी चोटी एक करने का काम किया। और अभी अभी मात्र एक कैबिनेट पहले जब हम लोग उस कैबिनेट में थे, दो कैबिनेट पहले, तो 250 करोड़ के जो योजना जल निकासी की योजना को इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट से पास कराने का काम किया। न सिर्फ जल संसाधन के विभागों के प्रति इनकी चिंता रहती है
बल्कि दरभंगा का होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कैसे करें और दरभंगा को हम कैसे आगे बढ़ा करके ले जाए। जो यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे किसान हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनका जो सामान है वो देश के दूसरे राज्यों में कैसे जाए, इसके प्रति चिंतित रहते हैं। इसीलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा नेता मिला और हम भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा मित्र मिला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना ध्यान ये नॉर्थ बिहार पर दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत ध्यान हमारे मित्र के विधानसभा पर भी देने का काम करें, क्षेत्र पर भी देने का काम करें। और आप लोगों के बीच इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी इन पर दबाव बनाइए, जैसे ही दरभंगा के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, आप भी इनके ऊपर दबाव बनाइए कि अशोक जी के भी क्षेत्र को थोड़ा देखने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भाग्यशाली हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। माननीय नेता ने जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे गठबंधन किसी के साथ रहा हो, इस बिहार के विकास को आगे जाने का और ताकत देने का काम किया है। यह बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था जब माननीय नेता ने इस देश की बागडोर संभालने का काम किया था। और आज ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने जो इस बार का बजट पास किया है वो 2,64,000 करोड़ का बजट है। इसीलिए आप सब लोग माननीय नेता को आशीर्वाद दीजिए कि उनकी सरपरस्ती में ये बिहार जात पात और धन से आगे बढ़ करके आगे बढ़ता रहे और बिहार का नेतृत्व इस देश को आने वाले समय में नेतृत्व देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलोल अनुमंडल के परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का जो आवासीय परिसर है उसका उद्घाटन आज भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी और हमारे तमाम मंचासीन नेता की उपस्थिति में किया गया। यह गर्व की बात है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर पे लाइक फॉलो और शेयर करते रहें।